जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना तो आप सबने सुना ही होगा। ये गाना एक वक्त में बीजेपी की पहचान बन गया था और इसे गाने वाले कन्हैया मित्तल, जो पहले बीजेपी के खासम खास थे, अब उन्होंने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया जिसने बीजेपी की कमर तोड़ दी। बीजेपी के राम पर की गई राजनीति का सच सामने आ गया। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं दीकन राव। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले तो 6 सितंबर को पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए और अब खबर है कि सिंगर कन्हैया मित्तल भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कन्हैया मित्तल वही सिंगर हैं जिन्होंने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे भजन गाया था। इस गाने के बाद से ही कन्हैया मित्तल काफी फेमस हो गए थे और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश और बजरंग की तरह कन्हैया भी कांग्रेस का हाथ पकड़ सकते हैं। एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच जुबानी जंग चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कन्हैया को पार्टी में लाने की तैयारी कर रही है। भजन गाकर फेमस हुए कन्हैया मित्तल ने अब कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया। इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि आज सुबह हमारे एक मित्र का फोन आया, मैंने उनसे बात की, मैंने उन्हें बताया कि हो सकता है कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करूं क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात होनी चाहिए, इसीलिए मन में इच्छा हुई कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करूं। वहीं भाजपा के बारे में उन्होंने कहा कि मेरा इस पार्टी से कोई मतभेद नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिला इसलिए कांग्रेस में शामिल हो रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, अगर मुझे टिकट चाहिए होती तो मैं खुद लोगों से बात करता और मुझे टिकट मिल भी जाता, कोई बड़ी बात नहीं। आगे उन्होंने ये भी बताया कि मैंने कभी भी किसी को नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमेशा से यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे उसका साथ दे, कहीं पर भी बैठकर हम काम कर सकते हैं, आप अपनी तपस्या सड़क पर भी कर सकते हैं और हिमालय में भी, पानी में भी कर सकते हैं तो अग्नि में भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक ही दल में रहकर अपनी तपस्या करो। तो मैं तो वैसे भी भाजपा में कभी था ही नहीं, मुझे शीर्ष नेतृत्व की ओर से बुलाया जाता था कि आप आइए हमारे यहाँ भजन गाइए और अगर आप वो भजन भी सुनेंगे तो उसमें आपको कहीं पर भी भाजपा का नाम नहीं दिखेगा। हमने ये भजन हमारे महाराज योगी जी यानी कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं के लिए गया था, वो आज भी है, कल भी है और सदैव रहेंगे, शायद हम किसी भी दल में जाएं या ना जाएं। आप खुद सुनिए कि कन्हैया मित्तल क्या कुछ कह रहे हैं। आज सुबह हमारे एक मित्र का फोन आया और मैंने उनसे मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो, और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए, लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे, मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे उसका साथ दो, और उसके लिए अगर हमें कहीं पर भी बैठ के हम उस काम को कर सकते हैं, आप अपनी तपस्या सड़क पर भी कर सकते हैं तो हिमालय पर भी कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं तो अग्नि पर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एक ही दल में रहकर आप अपनी तपस्या करो। और मैं तो कभी भाजपा में मूल रूप से था भी नहीं, हाँ ऊपर से मुझे बुलाया जाता था कि आप आइए हमारे यहाँ, जो राम को लाए हैं वो भजन गाइए, और वो भजन भी आप सुनेंगे तो उसमें कहीं भाजपा का नाम नहीं, उसमें महाराज जी हमारे गुरु हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए हमने वो गाया, वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे, सदैव रहेंगे, चाहे हम किसी भी दल में जाएं या ना जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक माँ के दो बेटे अलग अलग दलों में भी है तो उनकी माँ नहीं बदल जाती, ऐसे ही हमारे गुरु हैं, गुरु रहेंगे। कांग्रेस पार्टी में मेरा जाने का मन है और मैं सेवा करना चाहता हूँ, लोगों का भला करना चाहता हूँ। तो आपने देखा कि कन्हैया ने क्या कुछ कहा। कन्हैया मित्तल के भजन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे का उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा ने खूब इस्तेमाल किया था।
खुद कई चुनावी रैलियों में कन्हैया ये भजन गाते दिखे थे। बता दें कि कन्हैया मित्तल भाजपा से हरियाणा विधानसभा चुनाव में पंचकुला सीट से टिकट चाह रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद अब उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया है। ऐसे में ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में